हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए, बट अपनी बातचीत को तो कंटिन्यू करेंगे ही। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। ओके दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के और भारतीय एयरटेल नहीं सॉरी एयरसेल को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है, और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके ऊपर सुनवाई होती हुई दिखाई दे सकती है दिल्ली हाई कोर्ट में। एकदम लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक हेडिंग है जिसमें आपको बताया जा रहा है, लेंडर्स टू एयरसेल रिलायंस कम्युनिकेशन होप फॉर फास्टर रिजोल्यूशन। दोस्तों, इन दोनों कंपनीज में से एयरसेल तो आपको पता है बंद हो चुकी है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन अभी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। इन दोनों कंपनीज़ के जो लेंडर्स हैं यानी जो बैंक्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये सभी के सभी आशा लगाए बैठे हैं कि आरबीआई की तरफ से बेसिकली दोस्तों 2 नवंबर को एक रिपोर्ट, एक पैनल रिपोर्ट जो है इशू हुई थी, जो ये रिकमेंड कर रही है एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी से कि वो बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही कंपनीज़ को बिडिंग करें, के ऊपर बिड करें यानी बोली लगाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये भी पता है, आप ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि ये वही है, आरबीआई वही है जिसने यूवीएआरसीएल को एयरसेल के ऊपर बिड करने से मना किया था, फिर आज अपने उसी मुंह से ये कैसे बोल सकता है कि एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ को बिड करना चाहिए। यानी एक साइड से आरबीआई रोक रहा था और आज वही आरबीआई इन सभी से रिकमेंडेशन कर रहा है कि आप लोग बिडिंग करो, तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आरबीआई ने यूवीएआरसीएल को एयरसेल के ऊपर बिडिंग करने से और उसके ऊपर जो कुछ भी था, जो वो विनर था, बेसिकली बिडर था, सक्सेसफुल बिडर था, लेकिन आरबीआई ने रोकने की कोशिश करी, जिसको चैलेंज भी किया दिल्ली हाई कोर्ट में यूवीएआरसीएल ने। लेकिन यहाँ पे आरबीआई की तरफ से जो पैनल रिपोर्ट 2 नवंबर को जारी करी गई है, इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से रिकमेंडेशन करी जा रही है कि आप ऐसे इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसेस से जो कंपनीज गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, उन सभी के ऊपर आप बिडिंग कर सकते हैं, लेकिन वाया सिक्योरिटीज ट्रस्ट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्ट्रक्चर AIF, ये दो रूट्स एडिशनल आरबीआई की तरफ से इसमें ऐड किया गया है, जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करी गई है। आने वाले टाइम में 3rd week of November में इस पूरे मुद्दे के ऊपर लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। 3rd week का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग 2nd week में चल रहे हैं, 3rd week आने वाले इसी हफ्ते के एंड तक, मतलब नेक्स्ट वीक हमारा जो आएगा वही 3rd week होगा, सिंपल। तो दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, एयरसेल, जैसा कि आपको पता है, एयरसेल इसके जो लेंडर्स हैं उनका जो एक्सपोजर है 20,000 करोड़ रुपए का है, और जो 14,000 करोड़ रुपए इसी से जुड़ा हुआ है जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो टोटल अगर आप देखें तो 34,000 करोड़ रुपए जो है एयरसेल के ऊपर कर्जा है। वहीं हम रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो 45,000 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोजर है लेंडर्स का, बैंक्स का, और 30,837 करोड़ रुपए यहाँ पे AGR ड्यूज का बताया जा रहा है टिल मार्च 2020, राइट। और तो दोस्तों, ये आपको तो बात पता ही होगी पहले से, ये सब ड्यूज़ वगैरह किसके पास कितना है, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो आरबीआई ने यहाँ पे दोस्तों पहले आपको बताया था कि यूवीआरसीएल को धमकी भी दी थी कि अगर आप ज़्यादा कूदने की कोशिश करेंगे ना तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा,
ये बात आपको पता है ना, एआरसी जो होती हैं यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, इन सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लाइसेंस देता है, यही कंट्रोल करता है। इसके पास राइट है कि ये इनको मना भी कर सकता है, ये इनको सपोर्ट भी कर सकता है। दैट्स वाई एक समय था इसने रोका था, और आज वही आरबीआई कोशिश कर रहा है, इनसे गुहार लगवा रहा है कि आप लोग आगे आओ, आप लोग बिडिंग करो आकर के, लेकिन दो रूट्स को फॉलो करना मत भूलो, AIF और सिक्योरिटीज़। क्या था इसका नाम, बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ से देख करके। ओके, सिक्योरिटीज़, आप देख सकते हैं AIF मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, या फिर सिक्योरिटीज़ ट्रस्ट्स के रूप में, के थ्रू बेसिकली जो है आप बिडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा और डिस्क्लोजर होगा कि क्या है एक्चुअली में, किस तरीके से काम करेगा, और थर्ड वीक ऑफ नवंबर में इसको लेकर के सुनवाई है, राइट। तो आप लोगों को अलर्ट रहना है इसको लेकर के। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।